नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे? इस ग्रहण का प्रभाव, 21 जून वाले ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर किस प्रकार से पड़ेगा? क्या ये ग्रहण आपकी राशि के ऊपर भारी है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। ज्योतिष और विज्ञान दोनों लोग ग्रहण को मानते हैं, दोनों जगह पर सिद्ध हो चुका है मानव और मानव जीवन पर इस ग्रहण का असर पड़ता है। 21 जून का ग्रहण भारत में दिखाई देगा और भारत के लोगों पर और भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका अच्छा खासा असर पड़ने वाला है। यह ग्रहण प्राकृतिक आपदाओं को ला सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है। पानी, तूफान, बारिश, भूकंप, हिंसा, मृत्यु दर का बढ़ना जैसी बीमारियों का बढ़ना, प्रकोपों का बढ़ना बढ़ा सकता है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे छुटपुट घटनाएं हो सकती है, तनातनी हो सकती है, इस सब का माहौल भी बनेगा। छुटपुट घरेलू हिंसाएं बढ़ सकती हैं, सरकार विरोधी देश विरोधी ताकतें अपना सर उठा सकती हैं। आपको अभी सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सूर्य ग्रहण 21 जून को लगभग 10:20 पर सुबह प्रारंभ होगा और 1:49 पर मोक्ष काल होगा। ग्रहण की कुल अवधि होगी 3 घंटे 48 मिनट और सूतक जो है 20 जून की रात्रि 9:52 पर ही लग जाएगा। ग्रहण काल में सिर्फ रोगी, वृद्ध, गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चों को कुछ छूटें प्राप्त हैं, बाकी किसी जवान या स्वस्थ व्यक्ति को ये छूट प्राप्त नहीं है। आपको कुछ खाना पीना नहीं है, सोना नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, गलत चीज़ें ना देखनी है, ना किसी को बतानी है, ना बोलनी है और शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने हैं। तो ग्रहण काल के दौरान जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपना चेकअप कराएं, अपना कुछ खाना है, दवाई खानी है तो ले सकते हैं, बुजुर्ग भी ले सकते हैं, फिर मैं कहूँगा स्वस्थ व्यक्ति नहीं ले सकता है। तो ये ग्रहण का जो असर होता है वो हमारे ऊपर कम से कम 13 दिन और उसके बाद 1 महीना और उसके बाद धीरे 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 अगले 6 महीनों तक बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं शुरुआत के 13 दिन थोड़े से ज़्यादा तकलीफ दे या अच्छे होते हैं, जैसा जिस राशि पर असर होगा। फिर उसके बाद 13 दिन के बाद फिर जो बाकी बचे दिन हैं 1 महीने के, उसमें इसका असर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। 1 महीने के बाद लगभग ये ग्रहण जो है इसका जो अच्छा या बुरा असर दोनों समाप्त हो जाते हैं। इस बात को भी विशेष ध्यान रखिएगा। आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है उसके अनुसार भी आपको फल मिलेगा और गोचर में स्थिति क्या है उसके अनुसार भी आपको फल मिलेगा। ग्रहण शुरू होने से पहले नहा लें, ग्रहण शुरू होने से पहले नहाना बहुत जरूरी है और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो उसके बाद भी स्नान करना बहुत जरूरी है। और ग्रहण जब समाप्त हो जाए तो घर में धूप दीप जलाएं, मंदिर को साफ करें, प्रार्थना करें ईश्वर से। और ग्रहण काल में किसी चीज़ को छूना नहीं, कुछ नहीं करना, बस अपने मंत्रों का या जो भी सिद्धि करते हैं उसका उच्चारण विधिवत तरीके से करना है। तो अब जल्दी से अब जान लेते हैं कि ये ग्रहण आपकी राशि पर क्या प्रभाव देने वाला है, ताकि आप अपनी राशि का हाल जानकर अतिशीघ्र वैसी ही तैयारियां कर लें। तो ये ग्रहण आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन एक खंड ग्रास के रूप में दिखाई देगा। अब जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या शुभ अशुभ प्रभाव पड़ेगा और इसी वीडियो में हम आपको इस ग्रहण के प्रभाव के बारे में भी बताएंगे और राशि पर क्या अच्छे बुरे असर और क्या उपाय करने चाहिए वो भी बताएंगे। तो कर्क राशि वालों को 21 जून का जो ग्रहण है वो क्या प्रभाव देने जा रहा है ये जानते हैं। ये जो ग्रहण है भारत और दक्षिण पूर्व यूरोप और एशिया में दिखाई देगा। कर्क राशि वाले जातक जातिकाओं के लिए यह ग्रहण आपकी राशि से 12वें भाव में होगा। आपके लिए यह ग्रहण बढ़िया नहीं रहेगा, चिंता के साथ सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। एक और बात कह दूं, 21 जून का जो ग्रहण है यह इतना प्रभावशाली क्यों है? क्योंकि इसमें खास वजह है। 6 बड़े ग्रहों का वक्री होना, जिनमें बुध, शुक्र, शनि, गुरु, राहु, केतु और यह ग्रहण रविवार को पड़ रहा है, इसलिए इसको चूड़ामणि का भी नाम दिया जाता है। तो ये सब कारण है 6 ग्रहों का वक्री होना और फिर आपके 12वें भाव में ग्रहण का पड़ना, ये तकलीफ दे है। कर्क राशि वाले जातक जातकों का खर्चा बेहिसाब बढ़ सकता है, दूर देश की यात्रा में दिक्कत हो सकती है, खर्चों के कारण वर्तमान स्थिति का बिगड़ना तय है। कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप व्याकुल हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, रातों की नींद गायब हो जाएगी और नकारात्मक विचार और ज़्यादा आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे। मानसिक तनाव को बिल्कुल भी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, अचानक से हानि हो सकती है। यात्रा अगले 1 महीने तक बिल्कुल भी ना करें, बहुत मजबूरी हो तो बहुत सावधानी के साथ यात्रा करने की सलाह दूंगा। मानसिक तनाव और बढ़ सकता है और आपको किसी भी गैर कानूनी काम अथवा धर्म विरोधी काम में भूल कर भी पार्टिसिपेट नहीं करना है। कानून संबंधी मामलों में दूरी बना के रखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। मानसिक तनाव को बढ़िया बना के रखें, अनचाहे हानि से बचना होगा आपको। कोई भी अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपके सामने अचानक से आ सकता है, इससे बचना होगा। यात्रा अगले 1 महीने तक टाले, जैसा मैंने कहा, छोटी और बड़ी दिक्कतें आपको आती चली जाएंगी जो आपको चैन से बैठने नहीं देंगी। पैसों का लेन देन ना करें,
क्रोध व जुबान पर कंट्रोल करके रखें। रिश्तों में छल कपट ना हो और किसी महिला के साथ में बेकदरी ना करें, उसका अपमान ना करें, चाहे वो घर की हो चाहे वो बाहर की हो। अपनी माँ की जो आशीर्वाद है उनको आपको लेना बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी माँ के दिमाग से सोच के देखें, वो किस तरीके से सोच कर मुसीबतों से निकाल दिया करती थी आपको, तो आज भी आप अपनी माता जी की शरण में जाएं, उनसे हेल्प मांगकर वो आपको इस अशुभ प्रभावों से निकाल कर शुभ प्रभावों में ले जाएंगी। रोग चोट दुर्घटना व बड़े तकलीफें हो सकती हैं। मानसिक चिंता और अनिद्रा भी हो सकता है, इस बात को भी विशेष ध्यान रखिएगा। जीवन साथी जो है वो आपस में बढ़िया तरीके से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और खुश रहें, प्रसन्न रहें। वक्त थोड़ा सा आपके पक्ष में नहीं है। हरिओम नमस्कार। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में खुशियाँ आएँ, उनके जीवन में कष्ट दूर हों? आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो ये जाने कि ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिख कर भेजा है? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि आपको कब क्या मिल सकता है? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी तक उन्हें सुख क्यों नहीं मिला? आप में से कितने लोग हैं ये जानना चाहते हैं कि सुख के दिन कब से शुरू होंगे? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारे दुश्मन क्या है, हमारी कमियां क्या हैं? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि हम कौन सा रत्न, कौन सा आभूषण, कौन सा रुद्राक्ष पहने जिससे हमारी मेहनत का हमें पूर्ण फल मिलना शुरू हो जाए? आप में से कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वो अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे? क्या उनका भी नाम इतिहास में लिखा जाएगा? क्या उनके नाम को भी लोग प्यार से लेंगे? कितने लोग ये जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में कौन शत्रु है जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? ये सारे सवाल अगर आपके भी मन में उठते हैं तो दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें। आपकी कोई सी भी राशि हो, आपका कोई सा भी लग्न हो, आप इंडिया में रहते हों, इंडिया के बाहर रहते हों, आप छोटी जगह पर रहते हों, बड़ी जगह पर रहते हों, आप के अंदर अगर ये जानने की इच्छा है तो आप संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों पर और हम आपको बताएंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर क्या है और उसका समाधान क्या है। तो आप लोग संपर्क करें और अपने मन के प्रश्नों को मारिए मत, अपने मन के प्रश्नों को जानिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। तो तुरंत फोन मिलाइए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराइए और अपने जीवन से जुड़े हुए हर राज को जान जाइए। हरिओम नमस्कार।